और इसको कबीर ने हमेशा सुनने की कही। कबीर की हर पोइट्री या कबीर के हर पद में या भजन में कहत कबीर और सुनो, सुनने की बात करी, तो हम भी सुने, इसको भी सुने और फिर अपने अंदर की इस आवाज को भी सुने। और जिसने इस आवाज को सुना वो सच्चा कबीर के विचार में ज्ञानी है, वो भेदी है, वो मर्मी है। As fine and subtle as the woven cloth is a sound, a very, very subtle sound, which Kabir urges us to hear. In a lot of Kabir's poetry, the signature line is always "Kahat Kabir suno bhai sadhu." His constant urging to all of us is to listen, and that subtle sound is within all of us. And that's the subtle sound that Kabir is asking us to quieten down and hear. And this song evokes that subtle sound that resonates in the sky, Gagan Mandal, the Gagan outside, but certainly the Gagan within our skull domes. इसलिए उस झीड़ी से आवाज को, उस नाद को, उस अनहद को जो सुनता है वही भेदी है, या वही सच्चा गुरुमुख है, या वही सच्चा ज्ञानी है। So this song says, कोई सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज होवे झीनी झीनी। झीनी झीनी means subtle, very very fine. So there is someone, not everybody, some odd one, ज्ञानी, a truly learned sage, a wise one listens to that subtle sound. एज गगन के बीच में मैदान है, गगन के बीच में मैदान है, और इन मैदान के बीच में ये गली, और इस सहस्त्र कमल के बीच में भंवर गुंजार है, और कमल के बीच में श्वेत कली, इंगला पिंगला के बीच में सुकमणा घाट है रे, इंगला पिंगला के बीच में सुकमणा घाट है, और सुकमणा घाट के बीच में लगी नली, अरे सुन सागर भरा सत्य के नाम का, और ताही के बीच में सुरता हरी, तो अच्छे कुवरज की डाली पर बड़ा है खिंडोला प्रेम की झुली, अरे अमीर सुवे सोई विवेक नागनी, और नागनी मार के बुंदरली, अरे बुंद के बीच में कैसा रूप है रे, बुंद के बीच में कैसा रूप है, और रूप को देख के रह चली, दास पलटू कहे जब हो रहा रूढ़, तो संत को समाधि भली, तो पांच तत्व दिन गुण कहने आगे मुक्ति मुकाम, अरे जहां कबीर सा घर किया वहां गोरख दत्त नाराम। कौन सा राम? वो राम जो सबके अंदर मौजूद है, केवल हिंदू का राम नहीं, वो मुसलमान का, सिख, जैन, ईसाई, पारसी, सबका। और इसीलिए कबीर कहते कि वो मेरा राम है। Kabir's Ram is not only the Hindu's Ram, he is a Ram that belongs to everybody. Aur wo Ram jo rag rag mein hai, that Ram who's existing in everybody's veins. Isliye Kabir kehte hain, ae ji rag rag mein bole Ram ji ne rom rom rarankar, ar sahaj hi dhun hote hai और सोई सुमिरन सार, इसलिए उसे सुने। कोई सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज होवे जिना
में
ऐसा नहीं कहा कि आवाज को सुने, अनेक उनके पद इस तरह के हैं जिसमें उन्होंने कहा, एक पद में है कि सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता, इस मन मंदिर में बाजता, तू बाहर सुने तो क्या हो। In many songs of Kabir, he urges us to listen. In this particular song, he says, you are unaware of that sound, that unstruck cosmic sound, anhad ka baja bajta. The instrument of this unstruck sound is playing. You're not aware of this sound. What's the point in listening to sounds in the outside temples? Parantu usko sunne ke liye kahin bahar dekhe to sahi. या बाहर तो सुने पहले फिर बाद में अंतर को सुने, इसलिए शायद हम ये गा बजा रहे हैं। Maybe we are playing here on stage and performing for you because this is the starting stage. It's when we quieten down and listen to these outside sounds that maybe we will be able to make that transition and move towards listening to the inner sound. और इसीलिए मैं तंबूर बजा करके अपने अंतर की आवाज से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने मेरी जिंदगी में जब पहली बार इस तंबूर को सुना, बस उस दिन से मेरे जीवन में कबीर की यात्रा शुरू हुई। एंड दैट्स व्हाई आई प्ले दिस फाइव स्ट्रिंग्ड तंबूरा इन ऑर्डर टू कनेक्ट इट विद द इनर साउंड एंड इट्स रियली द साउंड ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट दैट गॉट मी हुक्ड ऑन टू कबीर। अन्यथा उसके पहले केवल 10 नंबर का कबीर हमारे पास था। बिफोर दैट कबीर वाज ओनली द वन आई यूज्ड टू स्टडी फॉर इन स्कूल टू अर्न माय 10 मार्क्स। और ये तंबूर जो पांच तार का बना है, हमारा शरीर भी पांच तत्वों का मिलकर के बना है। इसमें इन पांच तार में ये जो तीन तार हैं, ये एक जैसे हैं, जो तीन गुण के प्रतीक हैं, और ये पांच तार में एक ऐसा है, एक ऐसा। इसलिए इस शरीर के अंदर भी पांच तत्व हैं और तीन गुण हैं, ये आप सब जानते हैं। और इन पांच तत्व और तीन गुणों के हाथों से हम जब ऊपर उठेंगे तो इसकी जो आवाज है, उस आवाज को हम अपने अंदर में सुन पाएंगे, वो सबके अंदर एक जैसी है। It's not surprising that in the poetry of Kabir, the tambura, the instrument, is a metaphor for the human self, the body, because the five strings are symbolic of the five elements of which our body is made, and the central three strings, which are strung on the same pitch, evoke the three qualities of which our human consciousness is created. And इसीलिए कबीर कहते हैं कि तंबूरा सुन ले साधु भाई। And so Kabir says, listen to this tambura carefully, my dear brothers, my dear friends. भजन इस तरह का है। जगत की भ्रमणा सब दूर भागी, अरे बाहर और भीतर का आकाश थे, और सुषुम्ना डोरी तहां उल्टी लागी, पवन को पलट के सुन में घर किया ने घर में अधर भरपूर देखा, अरे कहे कबीर गुरुपुर की मेहर से यहां त्रिकुटी मध्य दीदार देखा। ये लिखा लिखी की बात नहीं, ये देखा देखी बात। This is not an experience you will understand by reading books. It's something that you have to experience. Okay.